नमस्कार, मैं कमल कौशिक। आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और हमारे खास बुलेटिन खबर की टैटक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश में नवनिर्वाचित विधायकों का शपथ ग्रहण आज है और ये शपथ ग्रहण समारोह रखा गया है। 6 नवनिर्वाचित विधायक चुने गए हैं, आज शपथ लेंगे। सुबह 11 बजे विधायकों की शपथ होगी विधानसभा में। विधानसभा स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया शपथ दिलवाएंगे। हिमाचल प्रदेश के 6 नवनिर्वाचित के विधायक हैं, 4 कांग्रेस पार्टी के विधायक चुने गए और 2 बीजेपी के खाते में सीट आई थी। अब ऐसे में आज विधानसभा में शपथ दिलाई जाएगी इन सभी नए विधायकों को। कांग्रेस के 4 और बीजेपी के, जैसे कि हमने आपको बताया, 2 विधायक हैं। विधानसभा स्पीकर कुलदीप पठानिया इन सभी नवनिर्वाचित विधायकों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। धर्मशाला सीट से बीजेपी के सुधीर शर्मा, बड़सर से बीजेपी के इंद्रदत्त लखनपाल, लाहौल स्पीति से कांग्रेस की अनुराधा राणा, सुजानपुर से कैप्टन रणजीत सिंह राणा, कुटलेहर से विवेक शर्मा और गगरेट विधानसभा सीट से नवनिर्वाचित विधायक राकेश कालिया आज शपथ ग्रहण करेंगे। इनमें सुधीर शर्मा और इंद्रदत्त लखनपाल 5वीं बार, राकेश कालिया 3री बार, रंजीत राणा, अनुराधा राणा और विवेक शर्मा पहली बार विधायक चुने गए हैं, जबकि कांग्रेस के बागी राजेंद्र राणा समेत चैतन्य शर्मा, रवि ठाकुर, देवेंद्र कुमार भुट्टो चुनाव हार चुके हैं। अब ऐसे में जो नए विधायक हैं वो अपनी एक और नई पारी की शुरुआत करने जा रहे हैं विधायक के तौर पर। हमारे साथ हमारे ब्यूरो जुड़ चुके हैं प्रदीप ठाकुर, उनसे हम बातचीत करते हैं। प्रदीप, कितने बजे विधायक पद की शपथ लेने वाले हैं नवनिर्वाचित विधायक? बिल्कुल, देखिए 11 बजे शपथ ग्रहण समारोह होना है विधानसभा में और विधानसभा के पुस्तकालय कक्ष में ये शपथ करवाई जाएगी। 6 जो नवनिर्वाचित विधायक चुनकर आए हैं और अभी लोकसभा चुनाव के साथ विधानसभा के चुनाव हुए थे सीटों पर, तो उसमें जीतकर जो नए विधायक आए हैं उनको स्पीकर शपथ दिलाएंगे, पद एवं गोपनीयता की शपथ को दिलाई जाएगी। और इसके साथ साथ क्योंकि 6 मिलाकर ये विधायक हैं जिसमें 4 कांग्रेस के हैं, 2 बीजेपी के हैं, इस दौरान यहां पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह मौजूद रहेंगे, जो जानकारी हमारे पास है क्योंकि विधानसभा में ही आज विधायक पद की बैठक होने वाली है। तो उसके बाद जैसे ही ये शपथ ग्रहण समारोह हो जाएगा उसके बाद कांग्रेस विधायक दल की बैठक रूलिंग लॉन्च में होनी है। तो आज का ये अहम है उन विधायकों के लिए जो पहली बार चुनकर आए थे, और जिस तरह से हमने पिछले कल शाम को देखा कि अनुराधा राणा लाहौल स्पीति के विधायक चुनकर आई है। लाहौल स्पीति में दूसरी महिला, 52 साल में दूसरी महिला है जो महिला विधायक बनी है, तो ऐसे में उन्होंने अपनी प्राथमिकताएं भी बनाई और उस क्षेत्र के लिए कुछ किया जा सकता है, ये सारी चीजें बताई क्योंकि पंचायत संस्था से जुड़ी हुई है अनुराधा राणा और जिला परिषद सदस्य रही, फिर जिला परिषद की चेयरमैन बनी, अब उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, अंत बात अब विधायक की लेने वाली है। और बाकी जो विधायक हैं जो पहली बार चुनकर आए हैं, विवेक शर्मा है, फर्स्ट टाइमर है, कांग्रेस पार्टी में सक्रिय रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के महासचिव भी हैं, रंजीत राणा सेना से रिटायर्ड हैं और पूर्व में बीजेपी से चुनाव किया, इस बार कांग्रेस का टिकट उन्हें मिला और एक चुनाव चिन्ह पर चुनाव जीते हैं। तो जो नए विधायक है उनके लिए एक नया मौका है, जो आने जिस तरह से परिस्थितियां बनी, राजनीतिक परिस्थिति है, उसने कहीं ना कहीं जनता ने भरोसा किया है, तो आज का ये शपथ ग्रहण काफी अहम वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए प्रदीप ठाकुर, इस खबर पर आपका। आगे बढ़ेंगे कुछ और अहम खबरों की हम बात करने जा रहे हैं। आज ओडिशा जाएंगे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, इससे पहले उनके कार्यक्रम तो निर्धारित थे लेकिन अब जानकारी है कि वो सीधा ओडिशा जाने वाले हैं। शपथ ग्रहण समारोह है नई सरकार का वहां पर और उसी शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। ओडिशा के नए मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद का शपथ ग्रहण समारोह आज है, जनता मैदान है वहां पर, भुवनेश्वर की हम बात कर रहे हैं जहां पर बड़ा शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया जा रहा है। शाम को 7 बजे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जगन्नाथ मंदिर भी जाने वाले हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का रात्रि प्रवास भुवनेश्वर में ही बताया गया है और कल दोपहर 3 बजे चंडीगढ़ फिर से वापस आ जाएंगे मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के इस दौरे को लेकर ज्यादा जानकारी देंगे हमारे स्टेट हेड जितेंद्र चौधरी। जितेंद्र, आपसे सीधे सीधे हम जानना चाहते हैं,
मिनट टू मिनट प्रोग्राम बताइए, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के ओडिशा दौरे पर है। देखिए बिल्कुल कमल, जिस तरीके से जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक मुख्यमंत्री नायब सैनी जो है वो आज ओडिशा के दौरे पर रहेंगे और मुख्यमंत्री का वहां जो शपथ ग्रहण समारोह है उसके अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। जहां तक मिनट टू मिनट कार्यक्रम की बात की जाए तो जानकारी है उसके मुताबिक करीब 9:30 बजे यानी अब से करीब आधे घंटे पहले जो है वो चंडीगढ़ एयरपोर्ट से रवाना हो चुके हैं। और रवाना होने के बाद अगर हम बात करें तो एक हॉल्ट जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर रखा गया है, क्योंकि आपने मिनट टू मिनट कार्यक्रम की यहाँ पर बात की है। इसके बाद अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से जो भुवनेश्वर के लिए बीजू पटनायक जो एयरपोर्ट है वहां पहुंचेंगे, करीब 3 बजे का ये कार्यक्रम है। और जनता मैदान में जो शपथ ग्रहण समारोह है उस शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शिरकत करते हुए नजर आएंगे। करीब 5 बजे का जो कार्यक्रम है वो इसको लेकर के रखा गया है। 7 बजे जगन्नाथ टेम्पल के अंदर पूजा अर्चना करने का जो कार्यक्रम है वो रखा गया है। और रात्रि ठहराव जो है वो जिस तरीके की जो जानकारी इस कार्यक्रम के अनुसार मिल रही है उसके मुताबिक उड़ीसा के अंदर ही उनका रहने वाला है। और कल भी इसी तरीके से अगर हम बात करें तो 11:30 बजे के आसपास जो है इसी तरीके से वो वापस चंडीगढ़ करीब 3 बजे तक पहुंचते हुए नजर आएंगे। तो ये कहा जा सकता है कि आज का जो पूरा जो कार्यक्रम है मुख्यमंत्री नायब सैनी का वो ओडिशा का रहने वाला है। और इसके लिए करीब 10 बजे की अगर हम बात करें यानी जिस वक्त हम ये चर्चा कर रहे हैं कमल, इस वक्त वो अब रवाना हो चुके हैं। हालांकि उनका एक हॉल्ट उत्तर प्रदेश में होगा और उत्तर प्रदेश से करीब 12:30 बजे जो मुख्यमंत्री नायब सैनी है ओडिशा पहुंचते हुए नजर आएंगे और शाम 5 बजे इस कार्यक्रम में वो शिरकत करते हुए। इससे पहले कोई कार्यक्रम हरियाणा में भी था जो कैंसिल हुआ है, ऐसी जानकारी पहले मिल पाई थी कि करनाल दौरा उनका था। देखिए अभी जो हमारे पास जो कार्यक्रम है उसमें अगर हम बात करें तो करनाल दौरे को लेकर के फिलहाल इस कार्यक्रम के अंदर जानकारी नहीं दी गई है। कुछ कार्यक्रम ऐसे भी होते हैं कमल जो समय पर ही तब्दील होते हुए नजर आते हैं, लेकिन जो तय कार्यक्रम मुख्यमंत्री का जो रिटर्न प्रोग्राम जो रहता है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें इस प्रकार का कोई कार्यक्रम नहीं है। आज मुख्यमंत्री ओडिशा के दौरे पर ही रहने वाले हैं और इसको लेकर के ही 10:00 बजे से जो ये दौरा है उनका वो शुरू हो जाएगा, यानी अब वो शुरू हो चुका है। और उत्तर प्रदेश में एक हॉल्ट लेते हुए आज दोपहर तक वो ओडिशा पहुंचेंगे और शाम 5 बजे का जो प्रमुख कार्यक्रम है उसके अंदर उन्हें शिरकत करनी है। हम देख पा रहे हैं कि जहां पर बीजेपी दोबारा सत्ता में आई है एनडीए के बैनर तले, तो ऐसे में ओडिशा में भी एक बहुत अच्छी खबर बीजेपी के लिए निकल कर सामने आई थी और बीजेपी शासित राज्यों के कई मुख्यमंत्री वहां पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में एक तरह से देखा जाए तो जो विरोधी कहते हैं कि अपनी ताकत को इवेंट मैनेजमेंट के तौर पर बीजेपी दिखाती है, लेकिन बीजेपी का मानना यह है कि जो जश्न होता है वो जनता के बीच मनाने का होता है और नई सरकार वो बनाने जा रहे हैं, तो ऐसे में एक बड़ी ताकत बाकी राज्यों के मुख्यमंत्री को साथ लेकर चलते हुए दिखाने की कोशिश यहाँ पर ओडिशा में कि इतना बड़ा कुनबा है बीजेपी का। देखिए बिल्कुल, जहां तक बात की जाए बीजेपी के चुनाव प्रचार, चाहे वो हम चुनाव प्रचार की बात करें कमल, या फिर हम बीजेपी के इस प्रकार से जब जीत हासिल कर ली जाती है उसके बाद उसके सेलिब्रेशन की बात करें या फिर वहां एकत्रित होकर के जो तमाम लोग हैं अपनी ताकत दर्शाते हुए नजर आते हैं, तो ये अपने आप में लोगों के बीच में एक मैसेज देने का एक बड़ा जो एक तरीका है भाजपा की तरफ से अपनाया जाता है, जहां तमाम बड़े नेता जो हैं इस प्रकार के, चाहे वो शपथ ग्रहण समारोह के कार्यक्रम हो या प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रदेशों के अंदर चुनाव हो, हम देखेंगे आने वाले समय में जब हरियाणा का भी चुनाव होगा तो इसी प्रकार से सभी जो प्रदेशों के जो नेता हैं, केंद्र के जो नेता हैं, वो हरियाणा में आते हुए नजर आएंगे। यानी पूरे तौर पर एकजुट होकर के जो है ताकत जो है वो लगाई जाती है, जहां चुनाव में लगाई जाती है तो वहीं जीतने के बाद उसके सेलिब्रेशन में भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जाती, ताकि लोगों के बीच में एक मैसेज जो है वो जीत से पहले भी और जीत के बाद भी दिया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए जितेंद्र चौधरी आपका इस खबर पर। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे दिल्ली से जुड़े एक बड़े मसले की। जल संकट क्या दिल्ली पर लगातार मंडराता ही रहेगा, कब खत्म होगा ये जल संकट, ये सवाल दिल्ली सरकार के सामने भी है लेकिन राजनीति खूब हो रही है। जल संकट के दौरान दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला निकल कर सामने आया। दरअसल अब ADM और SDM पानी की पाइपलाइन की मॉनिटरिंग करने वाले हैं, कहीं भी पानी की लीकेज बर्दाश्त नहीं की जाएगी, ये बात कही गई है। पानी की बर्बादी रोकने के लिए दिल्ली सरकार का ये बड़ा निर्णय है, एक बूंद पानी भी बर्बाद नहीं होने देंगे, ये दिल्ली सरकार की ओर से कहा गया है। राजनीति अलग बात है लेकिन ये हाँ एक्शन मोड में दिल्ली सरकार आती हुई नजर आ रही है, ये अच्छी बात है क्योंकि अभी हमने देखा टैंकर से लोगों तक पानी पहुंचाया जा रहा, लोग वाकई में एक एक बूंद के लिए फिलहाल तरस रहे हैं।
और पानी की जो वैल्यू है वो उन लोगों को खासकर समझ आ रही है जो लोग इस जल संकट से जूझ रहे हैं। और जिन लोगों को लगता है कि ऐसा कुछ उन्हें महसूस नहीं हो रहा, वो इन तस्वीरों को जरूर देख लें। हम बार बार कहते हैं कि राजधानी दिल्ली पर जल संकट के बादल लगातार मंडरा रहे हैं, लेकिन बदरा कब बरसेंगे, यानी कि बादल कब बरसेंगे, कब बारिश आएगी, कब राहत गर्मी से मिल पाएगी, ये सवाल है। आने वाले वक्त में ऐसा जरूर होने वाला है। फिलहाल हम दिल्ली के मंत्री आतिश को आपको सुनवाने जा रहे हैं ताकि आप समझ सके कि राजनीति भी कैसे हो रही है और दिक्कत परेशानी दिल्ली सरकार कैसे बयां कर रही है। सबसे पहले उन्हीं को सुनिए। जब हम हरियाणा सरकार को चिट्ठी लिखते हैं, जब हम उनसे बात करते हैं, तो वो लगातार हमें कहते रहते हैं हम तो पानी छोड़ रहे हैं। ये रास्ते में पानी कहां गायब हो जाता है? लेकिन हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश हो गया है। उनके अपने सुप्रीम कोर्ट में दायर एफिडेविट से पर्दाफाश हो गया है। तो दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि हरियाणा सरकार का पर्दाफाश हो गया है और एक एफिडेविट भी दिखाया गया है। लेकिन ये तो एक पक्ष है, दूसरा पक्ष भी तो सुनना चाहिए। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा के राज्य मंत्री महिपाल ढांडा ने कैसे दिल्ली सरकार को जवाब दिया वो भी जानिए। जितना क्यूसिक पानी हरियाणा को दिल्ली को देना होता है उससे भी 70 से 80 क्यूसिक पानी हम लोग ज़्यादा दिल्ली में छोड़ रहे हैं। बिल्कुल उल्टा आप लोग प्रदर्शन ये करो कि हमारा हरियाणा का पानी जो 3 लाख फीट एकड़ बनता है उसके बिना हमारे खेत सूख रहे हैं। हमारा SYL का पानी छोड़ो, SYL के पानी के ऊपर तुम्हारे मुँह पर जबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद भी आप लोग उल्लंघन कर रहे हो और उल्लंघन करके जगह जगह ये प्रचार प्रसार करते हो कि संविधान में बदलाव, संविधान के साथ छेड़खानी। तो ये आप लोग संविधान के अनुरूप काम ना करके संविधान के साथ छेड़खानी कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? हमारे साथ इस वक्त राजा पटेल हमारे संवाददाता दिल्ली से जुड़ चुके हैं, उनसे हम चर्चा भी करते हैं, जानकारी भी हासिल करते हैं और इस पूरी राजनीति को भी समझते हैं। राजा, सबसे पहले तो असल मसले की बात करेंगे जो लोगों से जुड़ा हुआ है। दिल्ली पर जल संकट के बादल लगातार मंडराते हुए हमने देखे, क्या वाकई में आपको लगता है कि ज्यादातर हिस्सों में जल संकट है, या आपको लगता है कि जो मैनेजमेंट है, जो मैनेज करना दिल्ली सरकार को, वो नहीं कर पाए हैं? उसके बाद मैं राजनीति की बात करूंगा, फिलहाल दिल्ली के लोगों की बात करते हैं। राजा, और बिल्कुल देखिए, दिल्ली में जल संकट लगातार बरकरार है, पर जो ज़्यादा जल संकट है वो दक्षिणी दिल्ली में है। भजनपुरा की बात करें और तमाम जो यमुना से सटे हुए इलाके हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किल्लत हो रही है। ऐसे में दिल्ली सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है कि जो SDM है और ADM है वो सभी जो पानी के पाइपलाइनों की मॉनिटरिंग करेंगे। पानी को वेस्टेज को रोकने के लिए दिल्ली सरकार का कदम है। लगातार दिल्ली सरकार लोगों से भी अपील कर रही है कि आप पानी की किल्लत है, पानी का कम इस्तेमाल करें, जरूरत से ज्यादा पानी को खराब ना करें। तो ऐसे लेकर दिल्ली सरकार तो काफी ज्यादा एक्टिव नजर आ रही है, पर अभी भी जल संकट लगातार बरकरार है। जिस तरीके से जो जल मंत्री हैं उनका भी बयान सुना कि वो लगातार अलग अलग राज्यों से गुहार लगा रहे हैं पत्र के माध्यम से कि उनको 1 महीने का अतिरिक्त पानी दिया जाए। इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी लगातार सुनवाई देखने को मिल रही है। अब ऐसे में अब दिल्ली सरकार का एक बड़ा फैसला कि जो SDM है, ADM है, वो सभी जो पाइपलाइन है उनकी मॉनिटरिंग करेंगे और जो वेस्टेज पानी को रोकने की यहाँ पर दिल्ली सरकार कोशिश करेगी। पर इस बीच सियासी घमासान देखने को मिल रहा है, पर लोग जो है वो काफी ज्यादा परेशान है। जी कमल, ऐसे में राजनीति जो हो रही है इस जल संकट पर, उसको भी मैं समझना चाहता हूं। हमारे दर्शकों के सामने ये बताइए कि सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया लेकिन फिर भी बयानबाजी हो रही है, खासकर दिल्ली के मंत्री आतिशी भी हरियाणा सरकार पर हमलावर होते दिखाई दिए। इधर हरियाणा सरकार की तरफ से राज्य मंत्री भी जवाब दे रहे हैं। इस राजनीति को भी हम समझना चाहते हैं, कौन सच्चा कौन झूठा, ये भी सवाल अब उठ रहा है। बिल्कुल देखिए, पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। लगातार सुप्रीम कोर्ट
इस पूरे मामले को लेकर गंभीर है, क्योंकि जल संकट को लेकर दिल्ली के सभी जो दिल्लीवासी हैं वो जूझ रहे हैं। पर इस बीच चाहे दिल्ली के जल मंत्री की हम बात कर लें या फिर हरियाणा सरकार के जो राज्य मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उनकी तरफ से लगातार बयानबाजी यहां पर देखने को मिल रही है। हरियाणा सरकार की बात करें और दिल्ली सरकार आमने सामने है, ऐसे में आतिशी ने एक बड़ा आरोप हरियाणा सरकार पर लगाया कि जो सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा सरकार की तरफ से एफिडेविट दिया गया है उसके बाद जो है हरियाणा सरकार के झूठ का पर्दाफाश होता है। हालांकि उस एफिडेविट में क्या है, क्या दलीलें हरियाणा सरकार की तरफ से दी गई है, ये देखने वाली बात होगी। पर आतिशी ने एक बड़ा आरोप हरियाणा सरकार पर लगा दिया है। इस बीच जो राज्य मंत्री हैं महिपाल ढांडा, उन्होंने भी कहा, पहले भी वो इससे पहले भी कहते रहे हैं कि जो हरियाणा का पानी दिल्ली को पहुंचना चाहिए वो पर्याप्त मात्रा में पहुंच रहा है, और ऐसे में जो ये पानी जा कहाँ रहा है, जो दिल्ली में पानी पहुंच रहा है, क्या दिल्ली में जल माफिया जो है वो पानी की ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, पानी की जो सप्लाई को लेकर जो मुनाफा है वो जल माफिया कमा रहे हैं। तो एक बड़े आरोप यहाँ पर दोनों तरफ से देखने को मिल रहे हैं। पर इस बीच राजनीति तो देखने को मिल रही है, पर जनता के बीच अभी तक पानी नहीं पहुंचा है, जनता अभी भी परेशान है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो दक्षिणी दिल्ली है वहां पर काफी किल्लत है, 18-18 घंटे आज भी वहां पर पानी नहीं आ रहा है। जी राजा, दक्षिणी दिल्ली की आपने बात की, आपने यमुना से सटे इलाकों की भी बात की है। जब हम देखते हैं कि मॉनसून आता भी है और यमुना में पानी का जो जलस्तर है वो काफी बढ़ जाता है, तब भी यही इलाके ज्यादा ग्रस्त रहते हैं उस परेशानी से। ऐसे में जब ये पानी का संकट होता है तब भी यही परेशानी का सामना करना इनको पड़ता है, हर साल की यही कहानी है। क्या दिल्ली सरकार ने ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई है कि हर साल ऐसी परेशानी ना आए दिल्ली वासियों के सामने, खासकर दक्षिणी दिल्ली के लोगों के सामने? हर बार दूसरे राज्यों पर डिपेंड और ऐसी राजनीति होना, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि एक बड़ी पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पर बहुत बड़े स्तर पर काम करना चाहिए, क्योंकि ये जो 2-3 महीने हैं ये बहुत ज़्यादा मुश्किलों भरे रहते हैं इन लोगों के लिए? और बिल्कुल देखिए, जाहिर तौर पर बहुत अच्छा ये कदम होगा यदि दिल्ली सरकार इस पर काम करेगी, क्योंकि दिल्ली सरकार राजनीति को लेकर बयानबाजों को लेकर तो काफी एक्टिव रहती है, पर जिस तरीके से हमने देखा कि पिछले साल मानसून में जो आधी दिल्ली है यानी कि संसद भवन के पास तक ये पानी पहुंच गया था, तो जाहिर तौर पर इसको लेकर एक पॉलिसी बनानी चाहिए, क्योंकि मानसून अब भी आ रहा है और ऐसे में पानी जो है वो देखने को दिल्ली में मिलेगा। पर इसको लेकर एक पॉलिसी तैयार करेगी, जो बारिश का पानी है उसके लिए जो ड्रेनेज सिस्टम है वो दिल्ली सरकार की तरफ से किया जाए, तो जाहिर तौर पर थोड़ी राहत दिल्ली वासियों को जरूर मिलेगी। क्योंकि अभी तक जो डिपेंडेंट है दिल्ली सरकार की हम बात करें, जो पाइपलाइन के जरिए हरियाणा से पानी आता है उसको फिल्टर करके दिल्ली वासी यहाँ पर यूज करते हुए नजर आते हैं। और जो यमुना में, हालांकि यमुना का जो पानी है अब पूरी तरीके से सूख चुका है क्योंकि काफी गर्मी है, पर मानसून ऐसे में आने वाला है। जाहिर तौर पर दिल्ली सरकार इस बारे में विचार भी कर रही होगी, उनके जो जल अधिकारी हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही निर्देश दिए थे कि सभी राज्यों के जल जो अधिकारी हैं वो आपस में बैठे एक इमरजेंसी मीटिंग करें और इस समस्या का समाधान करें कि आखिरकार दिल्ली में ये जल संकट कैसे खत्म होगा। इसको लेकर दिल्ली सरकार के जो जल विभाग के अधिकारी है उनको सख्त डायरेक्शन यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई थी। अब देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तो पानी की किल्लत है क्योंकि अगले महीने मानसून शुरू हो जाएगा, तो ऐसे में दिल्ली सरकार की तरफ से क्या पॉलिसी, दिल्ली के जो जल अधिकारी हैं उनकी तरफ से क्या पॉलिसी बनाती है कि आगे पानी की दिक्कत लोगों को ना हो। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजा पटेल जानकारी देने के लिए इस खबर पर। आगे बढ़ते हुए उत्तराखंड की बात करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्यमंत्री आवास में उच्च स्तरीय बैठक बुलाते नजर आए, अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। ऐसे में आपको बता दें कि चारधाम यात्रा पर पूरा पूरा फोकस सरकार का है, व्यवस्थाओं और बेहतर इनको बनाने के लिए बड़े स्तर पर चर्चा हुई, जिलाधिकारियों से समन्वय बनाकर रखें ये बात कही गई है। समय समय पर उच्च अधिकारियों को लेकर भी कहा गया है कि यात्रा की व्यवस्थाओं को जांचें परखें, स्थलीय निरीक्षण करें यानी कि ग्राउंड पर जाएं आप और बेहतर व्यवस्थाओं को जांचें परखें, जिलाधिकारियों का सहयोग करें, अधिकारियों को कहा गया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं कि यात्रा प्राधिकरण बनाने के लिए कर्तव्य और दायित्व निर्धारित किए जाए, इसमें प्रशासन, मंदिरों, ट्रांसपोर्टर्स, टूर एजेंट्स और अन्य संबंधित पक्षों के साथ बैठक की जाए। चारधाम यात्रा के लिए ऋषिकेश और हरिद्वार में श्रद्धालुओं का बैकलॉग खत्म हो गया है, जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनका पंजीकरण कर चारधाम यात्रा पर उनको भेजा जा रहा है। पंजीकरण की संख्या अब सीमित नहीं है यानी कि इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये बात भी कही गई है। राव शिफात अली ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़ चुके हैं उत्तराखंड से, देहरादून से, उनसे हम बातचीत करते हैं। राव शिफात अली, चारधाम यात्रा चल रही है,
क्या बदलाव आया इस बैठक के बाद, वो हम जानना चाहते हैं आपसे। ये जो बैठक उच्च स्तरीय की गई है, देखिए चारधाम यात्रा चल रही है और अब पहले से थोड़ा बेहतर हुई है, लेकिन चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयासरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और दिशा निर्देश जारी किए, और सख्त दिशा निर्देश है कि जिलाधिकारियों के साथ मिलकर के जो भी अधिकारी हैं वो समन्वय बनाए, कोऑर्डिनेशन बनाए और चारधाम यात्रा को पहले से और बेहतर करने की कोशिश करें। और क्योंकि अब राज्य सरकार यात्रा प्राधिकरण पर भी विचार कर रही है, तो किस किस को जिम्मेदारी दी जाएगी इसको लेकर के विचार चल रहा है। इसके साथ जो मंदिर है, ट्रांसपोर्टर्स है या जो दूसरे व्यवसाय करते हैं चारधाम यात्रा में, उन सब के साथ बैठ करके एक वार्ता होगी और वार्ता के बाद एक प्रारूप तैयार होगा ताकि आने वाले वक्त में प्राधिकरण के जरिए या बेहतर सुविधाएं दी जा सके। क्योंकि इस बार देखा कि पहले सप्ताह में 10 मई को यात्रा शुरू हुई थी कमल, और 10 मई से पहला जो सप्ताह था वो बहुत कठिनाइयों वाला था, बहुत दिक्कतों का सामना चारधाम यात्रियों को करना पड़ा था, लेकिन अब धीरे धीरे व्यवस्थाएं ठीक हो रही है और राज्य सरकार ने क्योंकि सबक लिया है, स्थानीय प्रशासन ने सबक लिया है कि जो लापरवाही उनसे हुई है वो अब आगे किसी यात्रा में या आने वाले वक्त में ना हो। तो इसी को लेकर के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिशा निर्देश जारी किए उच्च स्तरीय बैठक में, और इसके साथ ही जो एक सीमित संख्या थी मंदिरों में पंजीकरण को लेकर के उसको हटा दिया गया है। अब जो भी यात्री उत्तराखंड में आ रहा है उसका पंजीकरण ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो वो करने के बाद उसको आगे भेज दिया जाता है। पहले बैकलॉग था बहुत बड़ी संख्या में, जो हरिद्वार है या ऋषिकेश है जहाँ पंजीकरण होता है वहां श्रद्धालु रुके हुए थे, उनका पंजीकरण थोड़ा बाद में हो रहा था क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे तो उनको होल्ड रखा गया था, होल्डिंग पॉइंट्स बनाए गए थे जी। लेकिन अब ऐसा कोई बैकलॉग नहीं है, अब यात्रा सुचारू हो चुकी है, कहीं भी जाम की परिस्थिति नहीं है, कहीं भी भीड़ भाड़ नहीं है। अब जो भी यात्री उत्तराखंड में आ रहा है वो या तो पहले से अपना पंजीकरण करा करके आ रहा है ऑनलाइन, अगर उत्तराखंड में आता है तो ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों सुविधाएं राज्य सरकार की ओर से दी गई है। और जो स्थानीय प्रशासन है वो इसमें जुटा हुआ है कि किसी तरह की कोई परेशानी चारधाम यात्रा में ना हो, तो इसके लिए राज्य सरकार एक और बड़ा खाका तैयार कर रही है। और अगर प्राधिकरण बन जाता है देखिए तो व्यवस्थाएं पहले से बेहतर होंगी, और दूसरा क्योंकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु आए थे तो अब श्रद्धालु भी समझ चुके हैं कि पहले पंजीकरण कराना अनिवार्य है, क्योंकि बड़ी संख्या में जब उत्तराखंड में श्रद्धालु पहुंचे पंजीकरण नहीं था तो उस वक्त जाम की स्थिति थी, उस वक्त बहुत ज्यादा भीड़ थी, लेकिन अभी हालात पहले से बेहतर है। मौजूदा हालात को देखे, आपने स्थिति अपनी जुबानी बयां की है, अगर कोई श्रद्धालु अभी आना चाहता है तो उसे अब किन बातों का ध्यान रखना होगा, क्या करना होगा, और क्या हम ये कह सकते हैं कि अब सुरक्षित भी ये यात्रा है और व्यवस्थित भी ये यात्रा है? हाँ कमल, देखिए अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, अब पहले से बेहतर हुई है जैसा मैंने अभी जिक्र किया, और मुख्यमंत्री खुद समीक्षा बैठकें कर रहे हैं, लगातार जायजा ले रहे हैं, अधिकारियों को कहा जा रहा है कि वो ग्राउंड पर जाएं, जो समस्याएं हैं उनका निदान करें, समस्याओं को जानें, तो अब धीरे धीरे यात्रा बहुत सुरक्षित और सुगम हो रही है। हाँ इतना जरूर है कुछ गाइडलाइंस जारी की गई है, जैसे कि पंजीकरण है वो बहुत आसान है, कोई भी श्रद्धालु उत्तराखंड में आना चाहता है तो वो पहले अपना पंजीकरण करा ले और ऑथराइज जो है सिस्टम है उसी के थ्रू पंजीकरण कराए, क्योंकि फर्जी पंजीकरण बहुत है उत्तराखंड में, ऑफलाइन ऑनलाइन, क्योंकि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको नहीं पता कि पंजीकरण कैसे होता है, वो उत्तराखंड में चारधाम के लिए यात्रा के लिए आते हैं तो उनके लिए ऑफलाइन की भी सुविधा है। तो अब इस तरह की दिक्कतें नहीं है जैसी दिक्कतें पहले सप्ताह में हुई थी। और दूसरा ये भी रहता है कमल कि शुरुआती दौर में सभी की इच्छा होती है कि चारधाम यात्रा के कपाट जैसे ही खुले वो भगवान के दर्शन कर ले, चारधाम यात्रा कर ले, तो ये भी एक दिक्कत है। और इससे जी अगली चारधाम यात्रा के लिए सबक लेना चाहिए कि शुरुआती दौर में किस तरह से भीड़ बढ़ जाती है, किस तरह की दिक्कतें होती है, क्योंकि शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा लोड होता है, शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा संख्या बढ़ती है, उसके बाद धीरे धीरे ये संख्या कम हो जाती है। 6 महीने यात्रा चलेगी, अभी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गाइडलाइंस के अनुसार एक तो मौसम की एडवाइजरी को देख लें पहले श्रद्धालु, दूसरा जो गाइडलाइंस है उनका पालन करें, पंजीकरण करा करके आए, स्वास्थ्य परीक्षण करा करके आए, ये कुछ गाइडलाइंस है जिनका ख्याल रखना बेहद जरूरी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद राव शफादारी जानकारी देने के लिए इस खबर पर। खबर की तह तक में आज के लिए इतना ही, खबरों का सिलसिला ब्रेक के बाद भी जारी है। नमस्कार।